Hello students, welcome to my class and today is our science class. So today we are gonna start chapter 7, safety and first aid, page number 70, 71 and 72. In our previous class we discussed something of this chapter. So today we are gonna finish this chapter, okay? So please note down on your diary that today's science class lesson is chapter 7, safety and first aid, page number 70, 71 and 72. So let's start, students. Cuts and minor wounds. Cuts and minor wounds kise bolte hai? Wash your hands. Matlab agar kuch cut ho jaye, agar kuch chot lag jaye to kya karna chahiye? Wash your hands before applying first aid to prevent infection. पहले तो हाथ धोना चाहिए अच्छे से, ठीक है, first aid application के पहले. Wash the cut or minor wound with clean water. कहीं जहाँ पर चोट लगती है उस जगह को भी अच्छे से clean water से धोना चाहिए. Apply an antiseptic cream और लोशन ऑन द एरिया. वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन लगाना चाहिए. गेट मेडिकल हेल्प. उसके बाद मेडिकल हेल्प आप ले सकते हो. उसके बाद देखो माइनर बर्न्स, मतलब अगर छोटा मोटा अगर जल जाता है तो क्या करना चाहिए. होल्ड द बर्न्ट एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स और टिल द पेन इजीज. इसका मतलब है जहाँ पर जल जाता है तो उस जगह को कूल रनिंग वाटर, मतलब ठंडे पानी के बहाव के नीचे रखना चाहिए 10 से 15 मिनट तक, जब तक ना वो पेन कम हो जाए. वेरी जेंटली, वेरी जेंटली अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट ऑन द बर्नड एरिया. तो उसके बाद अच्छे से ध्यान से एंटीसेप्टिक वो ऑइंटमेंट लगाना चाहिए वो बर्न एरिया में. नेक्स्ट इज इंसेक्ट बाइट और स्टिंग. अगर कुछ इंसेक्ट अगर काट देता है तो क्या करना चाहिए. अप्लाई अ कूल कंप्रेस. यूज अ क्लोथ डैम्पेंड विथ कोल्ड वाटर और फील्ड विद आइस. दिस हेल्प्स रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग. अगर कुछ काट देता है तो उसे ठंडा करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर बर्फ़ लगाना चाहिए, ठंडा पानी देना चाहिए, तो क्या होता है उससे पेन कम हो जाता है. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन द ऊन. तो जो मतलब जहाँ पर काट चुका है तो वहाँ पे कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन लगाना चाहिए. गेट विजिबल स्टिंग रिमूव्ड बाई द डॉक्टर. अगर कुछ स्टिंग अंदर घुस जाता है, मतलब कोई काट देता है, कोई अगर जैसे कि वॉस्प अपना मतलब स्टिंग दे देता है स्किन के अंदर, तो उसको डॉक्टर के पास से रिमूव करवाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज नोज़ ब्लीडिंग. अगर नोज़ ब्लीडिंग होता है तो क्या करोगे. हैव द पर्सन सिट अप विथ हीज और हर हेड tilted slightly forward. The person should not lean back. तो उसे सोना नहीं चाहिए. Pinch the soft part of the nose just below the bony part for the 10 minutes. मतलब जो भी ना nose का जो भी soft part है उसको pinch करके रखना चाहिए और 10 minutes तक. Get medical help. उसके बाद मेडिकल हेल्प ले सकते हो आप. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक शॉक. अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो क्या करोगे. टर्न ऑफ द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्स है उसको एकदम ऑफ कर दोगे. कीप द पर्सन वार्म. उसको गर्म रखना चाहिए. गिव हिम और हर टू ड्रिंक समथिंग वार्म. उसको कुछ गर्म खाने के लिए देना चाहिए, जैसे कि गर्म दूध, ठीक है, देना चाहिए. गेट मेडिकल हेल्प. उसके बाद आप लोग मेडिकल हेल्प ले सकते हो, मतलब डॉक्टर के पास जाओ, दवा टवा जो भी दे, ठीक है. नेक्स्ट इज ब्रोकन बोन और फ्रैक्चर. अगर बोन ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करोगे. अप्लाई एन आइस पैक रैप्ड इन क्लोथ
क्लोथ के साथ आइस रैप करके वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए. डो नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट, जहाँ पर इंजरी हुई वो मूव ना करें. प्रोवाइड सपोर्ट यूजिंग अ स्प्लिंट पिलो और कुशन. तो ऐसे कि स्प्लिंट पिलो और कुशन उसको सपोर्ट करना चाहिए. अ स्प्लिंट, व्हाट इज़ अ स्प्लिंट? अ स्प्लिंट इज़ अ डिवाइस यूजिंग और फोल्डिंग. यहाँ पे देखो ये जो कपड़ा से मतलब हैंड को बंधा हुआ है इसको स्प्लिंट बोलते हैं. सो दैट इज़ अ होल्डिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी स्टेबल टू डिक्रीज पेन एंड प्रिवेंट फर्दर इंजरी. गेट मेडिकल हेल्प, उसके बाद आप मेडिकल हेल्प ले लो. ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर द मेंटेन टू मेंटेन काम एंड मिनिमाइज पैनिक. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर लेटर फॉर फर्दर सजेशंस एंड एडवाइस. सो एक्सीडेंट अगर होता है ड्यूरिंग एक्सीडेंट, सो ये याद रखना चाहिए कि हमें शांत रहना चाहिए और पैनिक को कम करना चाहिए. उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि हाँ एक डॉक्टर को कंसल्ट करें और उससे सजेशन लें. फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए देखो. अ वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स ऑल द नेसेसरी थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फर्स्ट एड. सम थिंग्स अ फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट कंटेन आर फर्स्ट एड मैनुअल, स्टेराइल गॉज, पैड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, एडहेसिव बैंडेजेस, अ स्प्लीन, एंटीसेप्टिक वाइप्स, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, ट्वीजर्स, सीजर्स, थर्मामीटर, इमरजेंसी फ़ोन नंबर एट्सेट्रा. सो ये सारी चीज़ होनी चाहिए. एज एन एक्सीडेंट कैन ऑकर एनी वेयर, अगर कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है एनी टाइम किसी भी वक्त, अ फर्स्ट एड बॉक्स नीड्स टू बी केप्ड एट होम, इन द क्लासरूम, इन द स्कूल बस एंड अदर प्लेसेस. तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए होम में, मतलब घर में होनी चाहिए, क्लासरूम में होनी चाहिए, स्कूल बस में होनी चाहिए. ओके सो ये फर्स्ट एड बॉक्स रखनी चाहिए. समरी, आप लोग देख लो, एक्सीडेंट में ऑकर एट एनी टाइम एनी वेयर, द फर्स्ट हेल्प प्रोवाइड टू एन इंजर्ड पर्सन आफ्टर एक्सीडेंट इज रेफर अ फर्स्ट एड. सो ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे, व्हाट इज फर्स्ट एड, व्हाट इज स्प्लिंट एंड व्हाट इज फर्स्ट एड बॉक्स. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग.